दुनिया के गजट रिव्यू में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने पेश कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट का पहला फोन लुमिया 535। जैसे इस फोन का नाम है 535, ऐसे इसमें 5 फिगर को लेकर 3 स्पेशल फीचर्स हैं। वो 3 स्पेशल फीचर्स क्या है? नंबर 1, फोन का 5 इंच का LCD डिस्प्ले। नंबर 2, फोन का 5 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो सेल्फी के लिए है, बहुत शानदार सेल्फी आएगी इससे। और दूसरा, फोन का 5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा जो LED के साथ में आया हुआ है। इस फोन के हार्डवेयर की हम बात करें तो इसमें 1.2 GHz का Snapdragon प्रोसेसर लगा है, 1 GB रैम है, 8 GB रोम है और इसकी मेमोरी को 128 GB तक बढ़ाया जा सकता है। साथ ही इसमें 15 GB का क्लाउड स्टोरेज अलग से मिलता है। फोन के अंदर पीछे माइक्रो USB के लिए जगह है, इससे आप डेटा सिंक और फोन चार्जिंग के लिए यूज कर सकते हैं। फोन के ऊपर एक 3.5 mm का ऑडियो जैक है। जहां तक कनेक्टिविटी की बात है, ये 3GB डॉल सिम फोन है, वाईफाई है और साथ में ब्लूटूथ 4.0 है। मेरे साथ बैठे हैं नोकिया प्रायोरिटी के महेश जी। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, महेश जी, नोकिया से माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो नाम बदला है, इससे कुछ सेल पे कुछ फर्क पड़ा है क्या? फोन बहुत अच्छा फर्क पड़ा है। एक तो क्या है, जैसे जो पहला फोन है जो माइक्रोसॉफ्ट का लॉन्चिंग है और इसमें सारी जो जो करेक्टिविटी जो जो लोगों की रिक्वायरमेंट है वो सारी पूरी हो गई है इसमें। एक तो स्मार्टफोन है, मेन जो है इसका प्राइस सेगमेंट, जैसे 9000 के अंदर इतना स्मार्टफोन जो आज तक किसी भी कंपनी में ऐसा फोन लॉन्च नहीं किया गया। देखिए, इन्होंने ये बात बताई कि 9000 के अंदर की रेंज के अंदर कुछ लिमिटेड फोन है, परंतु इस बिल्ड क्वालिटी का फोन, वाकई में इस बिल्ड क्वालिटी का फोन और इतने अच्छे फीचर्स के साथ मिलना एक तरह से नामुमकिन है। हम बाकी फोन देखते हैं तो उनमें उनका जो प्लास्टिक क्वालिटी होती है, बाकी चीजें होती है, अलग से लग रहा है, फोन थोड़े से चिप नजर आते हैं, परंतु इस फोन के साथ वो चीजें नहीं है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट का नाम लोगों का एक तो उस पर इफेक्ट बहुत रहता है कि सॉफ्टवेयर में इससे अच्छी बड़ी कंपनी कोई है नहीं, और दूसरा उसका हार्डवेयर। अगर नोकिया का हार्डवेयर को पहले भी माना जाता था, आज भी माना जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ज्वाइंट से माइक्रोसॉफ्ट का पहला फोन होने के कारण इसका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बहुत माइक्रोसॉफ्ट के हैं, इसलिए लोगों के दिलों में छा गए हैं। तो इस फोन का परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब मार्केट सेल कैसी है? मार्केट सेल बहुत अच्छी है, अभी भी स्टॉक मगर इतना नहीं मिल पाता जितने कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स है। सबके पास स्टॉक की कमी रहती है, जितना स्टॉक कंपनी देती है उतना ही सेल हो जाता है। मुझे एक बात और पूछनी थी, बिग माइक्रोसॉफ्ट फोन जो लोगों का नजरिया था वो पहले से किस तरह से चेंज कर? और पहले तो लुमिया में क्या रहता था, लोगों को ऐसा लगता था इसका यूजर इंटरफेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, ये है। ऐसा ऐसा लोगों ने जब इसको यूज किया, ऑपरेट किया, हाथ में आया जिसके फोन, उसको इतना इजी लगा है, जो यूजर फ्रेंडली है और जो जो एप्लीकेशन और जो फास्ट प्रोसेसर मिला लोगों को, जो आजकल क्या एप्लीकेशन का जमाना है, सबको एप्स चाहिए, तो इसमें जितनी एप्स फास्ट और स्पीड से मिलती और आप जिससे ऑपरेट कर सकते हो इजी ऑपरेट, 1 inch से ऑपरेट, और इसका जो लुक होल्ड वो दिया है, एक तो 5 inch डिस्प्ले और एक हाथ से पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसको देख के, आप देखिए, आप हाथ में लुक पे लीजिए तो एक हाथ से आप पूरा ऑपरेट कर सकते हैं। इसके जहाँ तक OS की बात है, OS के बारे में कोई बताएंगे आप, इसमें कौन सा OS है? इसमें दिया है माइक्रोसॉफ्ट का 8.1 OS और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है 10 MP। तो ये बात है कि जो फोन है न सिर्फ 10,000 के अंदर का फोन है, परंतु साथ में माइक्रोसॉफ्ट के लेटेस्ट वर्जन जो 8.1 डेनिम वर्जन है ये उस पर चलता है। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस फोन के बारे में जानकारी लेने के लिए, और हम मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए गैजेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।